press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टेपलेस की पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, जिससे कि अब तक आप सभी ने देखा कि शो में कई सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आए हैं। जहाँ अभिमन्यु के घर वालों के सामने अक्षरा कहती है कि वो अभिमन्यु से प्यार नहीं करती है, जिसके बाद अभिमन्यु और अक्षरा का दोनों का ही दिल टूट जाता है। वहीं अक्षरा और अभिमन्यु दोनों ही इमोशनल होते हुए नजर आते हैं। वहीं अब आने वाले एपिसोड में आप सभी ही देखेंगे कि गोयनका फैमिली भाई दूज की तैयारी कर रही है, तभी कुछ काम को लेकर अक्षरा के रूम में जाते हैं। वहीं वो कैमरा में फुटेजेस देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि अक्षरा भी अभिमन्यु से काफ़ी ही प्यार करती है, लेकिन आरोही का प्यार देखते हुए वो अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रही है। जहां ये देखकर कायरफ काफ़ी ही शॉक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कायरफ अक्षरा के सामने जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे घर से अब जाना चाहिए उसके अच्छे के खातिर। जहां अक्षरा सभी घर वालों के सामने कहती है कि वो पुणे जा रही है म्यूजिक थेरेपी का नया कोर्स करने के लिए। जहां ये बात सुनकर सभी घर वाले काफ़ी ही अपसेट हो जाते हैं, लेकिन आरोही खुश हो जाती है अक्षरा के घर छोड़ने पर। जहां फैमिली वाले काफ़ी ही इमोशनल होकर अक्षरा को गाड़ी में बैठाते हैं और कायरफ अक्षरा को ये भी कहते हैं कि वो अपना नंबर भी बदल दे। जादूसी और बिल्ला हाउस भी भाई दूज मना रही है, लेकिन वो सभी ही काफ़ी अपसेट है कि अभिमन्यु का दिल टूटा हुआ है। आप आने वाले एपिसोड में ये भी देखेंगे कि नील अक्षरा को कॉल करके कहेंगे कि वो अभिमन्यु से बात करे। जहाँ अभिमन्यु या एक तरफ अभिमन्यु की लड़ाई हो जाती है रोड पे। अब देखना ये है कि क्या अभिमन्यु और अक्षरा की मुलाकात होगी फिर से एक बार। वेल, ये सब देखना वाकई ही दिलचस्प हो गया है।